स्पेशली इमरान भाई का, उन्होंने बड़े भाई का फ़र्ज़ हमेशा निभाया है, मुझे कभी छोड़ा नहीं है। और मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसे बंदे अपनी ज़िंदगी में मिले हैं जिनकी वजह से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इवन मेरा क्लाइंटल बेस भी, अगर मैं कभी भी सोचती हूँ कि मैं इतना आगे कैसे बढ़ी, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें मेरे क्लाइंट्स का हाथ है, किसी का हाथ नहीं है। हमेशा वही मेरे इंस्पायर रहे हैं, मुझे हमेशा उन्होंने ही कहा है कि शबाना तुम बहुत अच्छी हो, तुम आगे बढ़ो, ये करो वो करो, ये भी करो वो भी करो। और उनकी दुआएं, उनकी बातें, और हमेशा उनका साथ रहा है मेरे लिए। और मैं सच में उन सबके दिल से शुक्रगुजार हूँ, और स्पेशली BCN की, इमरान भाई की, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच। और बता दूँ मैम के बारे में कि मैम की जर्नी भी बहुत अमेजिंग सी है, और इसका भी हमने एक इंटरव्यू बहुत प्यारा सेशन लिया था, जिसकी लिंक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैम की भी हम चाहेंगे कि बहुत सारे सेमिनार हो, जिस तरीके से वैसे आपको भी चाहिए ना मैम के सेमिनार, चाहिए कि नहीं? हाथ हिला के एक बार, चाहिए कि नहीं? मैम तो देख ली, पब्लिक डिमांड है, सेमिनार तो बनते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और BCN न्यूज़ की ओर से वन डे कुकिंग सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे हेल्थ पार्टनर है HCG कैंसर हॉस्पिटल, साथ ही हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर्स हैं निम्बाकर अगरबत्ती, माननी सखी मंच, शबाना मेकओवर, अर्बन नुक्कड़ एंड स्पंदन डिजिटल एड्स। और जिस तरीके से मैंने कहा कि हमारे हेल्थ पार्टनर है HCG कैंसर सेंटर, तो उन्हीं की डायरेक्टर हमारे सुमित्रा मेहता जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए एक बार। डायरेक्टर एंड हेड ऑफ साइको-ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, बहुत बहुत स्वागत है मैम, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहती हूँ कि इनका स्वागत करें हमारी रिहाना मैम और इमरान सर, जोरदार तालियों से दोनों का भी स्वागत करती हूँ, और चाहती हूँ कि उनका स्वागत कीजिए। पानी लगेगा ना, पानी बॉटल वो ले लो ना, है ना छोटी। तो हम सबसे पहले बना रहे हैं ठंडाई, जिसमें हमने लिए हैं 50 ग्राम बादाम, 1 टेबल स्पून खसखस, ये मैं मिक्सी के जार में डालती जा रही हूँ, 1 टेबल स्पून खसखस, 1 टेबल स्पून मगज के बीज, मगज के बीज तो सबको मालूम है ना, खरबूज तरबूज के जो बीज होते हैं वो, 1 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ ये गुलाब की पंखुड़ियाँ सूखी हुई, रोज़ पेटल, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर फॉर्म में नहीं ली है मैंने, साबुत काली मिर्च ली है, इसी तरह से 1 टीस्पून इलायची दाना और 1 टीस्पून सौंफ। खसखस, बादाम और मगज को आप बिल्कुल हल्का सा सेक सकते हैं यदि पाउडर फॉर्म वाला कर रहे हैं तो, और यदि आप इसको एक दिन पहले रात में भिगा के रख देते हैं तो फिर सिर्फ आपको क्या करना, उसको मिक्सी में पीसना है और ठंडे दूध में शक्कर के साथ में मिक्स करना है। तो ये सब चीज़ों को मिक्स करके मैं पहले थोड़ा सा पेस्ट बना रही हूँ, इसका पाउडर बना रही हूँ, फिर इसमें डालूँगी मैं शुगर और केसर। चालू है, थोड़ा सा जब ये पाउडर हो जाएगा तो फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 150 ग्राम शुगर। शुगर की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक बाउल लगेगा। अभी थोड़ी शुगर डाली मैंने और मैं डाल रही हूँ इसमें केसर। ये मैंने केसर भी इसमें डाल दी और अब फिर से इसको हम पीसेंगे। यदि आप ये बनाना नहीं चाहते हैं तो आप लोगों को मालूम है गुरुजी की ठंडाई जो आती है उसका यूज़ भी आप डायरेक्ट कर सकते हो और घर में बना के भी इसे रख सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और पाउडर बनाएंगे और फिर इसको हम छान लेंगे छन्नी। सब कुछ हमने मिक्स किया है, थोड़ी सी शुगर रहने दिए हैं,
वो एकदम लास्ट में मिला देंगे हम, और इसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे। तो सबसे पहले हमने ठंडाई बनाए हैं। ठंडाई के लिए 50 ग्राम मैंने बादाम ली हूँ, 1 टेबल स्पून खसखस, 1 टेबल स्पून मगज, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सौंफ, और उसमें हमने डाल दिए थोड़ी सी केसर, और 150 ग्राम मैंने लिया है इसमें शुगर। तो ये सबको मिक्स करके और मैं छान रही हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगी, व्हिपिंग क्रीम तो आप सबको मालूम है, हम केक के ऊपर जो आइसिंग करते हैं, तो वो व्हिपिंग क्रीम में ठंडाई पाउडर को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, जो हम अंदर फिल करने वाले हैं केक के। थोड़ा सा एक बार लास्ट का और हम चलाएंगे और इसे अलग रख देंगे। तो ये तैयार हो गया ठंडाई पाउडर। अब मैं थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। कोई क्वेश्चन यदि आपके आए तो आप बीच बीच में पूछ सकते हैं। इसको छान दो अलग से। तो ये तैयार हो गया हमारा, ये निकाल लो, ठंडाई प्रीमिक्स। अब इस प्रीमिक्स को मैं थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम सबको पता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको व्हिपिंग क्रीम नहीं मालूम। और ये ठंडाई पाउडर मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, हम केक के अंदर इसे लेने वाले हैं। क्योंकि व्हिपिंग क्रीम और ऐड होएगी, लेकिन मैं अभी थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम में इसको मिक्स कर दे रही हूँ। ज़्यादा डालने का कारण क्या है, केक की लेयर भी आएगी और क्रीम भी अभी इसमें बहुत सारी मिक्स होगी, तो हमने इसमें ठंडाई मिक्स करके और छोड़ दे रहे हैं, जिससे ठंडाई का फ्लेवर थोड़ा इसमें उतर जाएगा। यदि आपको इसको दूध में भी करना है तो तुरंत यदि आप इसको दूध में मिक्स करके देंगे तो प्रॉपर टेस्ट नहीं आएगा। आपको थोड़े से दूध में ठंडाई को पहले से मिक्स करके कम से कम आधे घंटे पहले छोड़ देना है, और बाद में उसको पूरे दूध में मिक्स करना। उससे आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और आप चाहो तो इसे रात में भिगा दीजिए और दूसरे दिन सुबह, फ्रेश ठंडाई जिसको बोलते हैं ना, यदि आप फ्रेश ठंडाई भी इस तरह से बना सकते हैं। तो ये बन गया हमारा मिक्स, जिसे हमने केक के अंदर भरना है। तो ये ठंडाई प्रीमिक्स हमने क्रीम में मिलाकर रख दिया, इसे मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ देती हूँ। ठंडाई फ्यूज़न केक, जिसके लिए मैंने घर से स्पंज बना के लाया है। ये मिल्क पाउडर स्पंज है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इतना समय नहीं है कि स्पंज हम यहाँ बना पाते। तो बताइए आप लोगों में से कितने लोग केक बनाते हैं। ये वेनिला है, ठीक है। तो जितने बनाते हैं, और जो नहीं बनाते हैं, बर्फ के ऊपर रख के, सबसे पहले हम व्हिपिंग क्रीम को थोड़ा सा लगा रहे हैं टर्न टेबल के ऊपर, फिर एक लेयर केक की रखेंगे और इसे हम सोक करने वाले हैं। तो सोक करने के लिए भी हमारे पास जो ठंडाई पाउडर है उसी से सोक कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ और पानी में थोड़ा सा ठंडाई पाउडर डाल रही हूँ। वन टेबल स्पून ठंडाई पाउडर मैं सोकिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, और इससे हम केक को सोक करने वाले हैं। केक को सोक क्यों करते हैं हम, जिससे केक जब तक आप खाएं तब तक सॉफ्ट बना रहे। दो दिन, तीन दिन, जितने दिन भी आप रखते हैं तो केक अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है। तो मैंने ठंडाई पाउडर को पानी में मिक्स किया
और इससे केक को सोक कर रही हूँ। आप चाहें तो दूध में भी इसे मिक्स कर सकते हैं। ये अच्छे से मैंने इसको सोक किया। अब ये जो हमने ठंडाई को क्रीम में मिक्स करके रखा था, इसी में अब थोड़ी ज़्यादा क्रीम मिक्स कर लूँगी मैं। और इसकी एक लेयर हम इसमें डालेंगे। और इसे फैलाएंगे। टर्न टेबल, मेरे हाथ में जो नाइफ है इसे हम पैलेट नाइफ बोलते हैं। और इस तरह से हमने केक के ऊपर ये फिलिंग कर दी ठंडाई वाले मिक्सचर की। अब फिर से इसके ऊपर हम केक की एक और लेयर रखेंगे और फिर से हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, सोकिंग। ये देखिए, ये सोकिंग। सोकिंग केक को कराना बहुत कंपलसरी है। सोकिंग इतनी होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा और ना कम। ज़्यादा हो जाएगी तो केक अंदर से गीला लगेगा और बहुत कम होएगी तो केक थोड़ा सूखा लगेगा। तो इसलिए हमको लिमिट में डालना है। अब फिर से इसके ऊपर हम ये क्रीम डालेंगे, ठंडाई वाली क्रीम। गरम एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा क्रीम का प्रॉब्लम होता है, तो बहुत ही उससे मैं क्रीम यहाँ पर लेकर आई हूँ और बर्फ वर्फ साथ में लेकर आई, जिससे क्रीम मेंटेन रहे। ये देखिए, इसके ऊपर हम फिर से एक और लेयर केक की रखेंगे। सोकिंग कम हो गई, थोड़ा सोकिंग और हम तैयार करते हैं। फिर से सोकिंग। कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे तो ले भी सकते हो ना। ये देखिए, सोक कर लिया। पीछे तक समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? आपके कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ये देखिए, इसके बाद लास्ट लेयर ले रही हूँ मैं, थोड़ा सा और इसमें मैं डाल लूँगी। और इसे भी हम सोक करेंगे। केक पर आइसिंग करने के पहले, क्योंकि होली स्पेशल है हमारा ये केक, तो हम पूरा इसको होली का ही रूप दे रहे हैं। यानी मैंने चॉकलेट्स के कुछ गार्निशिंग बना के लेके आई हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम केक को टर्न टेबल पर बीचों बीच रखेंगे और इसको पहले हम ट्रिमिंग करते हैं। ट्रिमिंग करने के लिए आप कैंची या ब्रेड नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि केक कहीं से भी थोड़ा सा भी बाहर आ रहा है
तो उसे कट करके हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। अब हम लोग ले रहे हैं क्रीम। क्रीम को थोड़ा सा हम इस तरह से स्पैचुला से चलाएंगे और केक को हम कवर करेंगे। पहले थोड़ा डालूंगी मैं, और इस तरह से पहले मैं थोड़ा डाल के केक को कवर करूंगी, और फिर इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्रीम को ज़्यादा डालेंगे। अभी साइड कवर भी करेंगे हम। थोड़ी क्रीम दूसरी दे तो, अभी बीट करी जो गर्मी है ना यहाँ पे, क्रीम थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है टेम्परेचर को। ये ठंडाई, मैंने करीब करीब ठंडाई ऐड करी होंगी, हाफ कप ठंडाई ऐड करी मैंने उतनी क्रीम में। ये जो प्रोग्राम है मेरे फेसबुक लाइव निराली कुकरी इंस्टीट्यूट के पेज से भी लाइव है। ये उठाओ, ये सब उठाओ यहाँ से। थोड़ा सा टेस्ट करके देखिएगा आप, टेस्ट प्रॉपर आना चाहिए ठंडाई का, उतनी क्रीम हमें इसमें मिक्स करना है। जैसे मैंने बोला कि मैं बाद में इसमें और क्रीम डालूंगी, लेकिन अभी हम फिनिशिंग करते टाइम पर इसकी बहुत सारी क्रीम हम बाहर निकाल देंगे। थोड़ा सा टेबल की हाइट भी कम है। यहाँ पे मैं टर्न टेबल को बहुत जोरों से नहीं घुमा पाऊंगी, क्योंकि यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है अलग है और स्टूडियो का प्लेटफॉर्म अलग रहता है ना। धीरे से घुमा के इसकी हम पहले ऊपर से कटिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम बहुत सारी क्रीम निकाल देते हैं, तो देखिए निकलती जाएगी क्रीम। मैं बहुत धीरे से घुमा रही हूँ, इससे ज़्यादा भी घुमा सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे नहीं, इसको थोड़ा संभाल के ही हमको बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं ले रही हूँ स्क्रैपर, और स्क्रैपर से इसे हम प्लेन करेंगे। ये देखिए कितनी सारी क्रीम हमने बाहर निकाल दी, और अभी फिर से और क्रीम बाहर होगी। तुम लोग लाए नहीं क्या वो पट्टी? एक्स्ट्रा क्रीम पूरी हम बाहर करेंगे। प्लास्टिक का स्क्रैपर एक्चुअल में हमारा घर छूट गया।
इस तरह से केक को हमने प्लेन कर लिया। एक बाउल रखो ना बाजू में। अब मैं ले रही हूँ न्यूट्रल जेल। न्यूट्रल जेल कितने लोगों को मालूम है? ठीक है, तो मैं समझाती हूँ आपको। आप जब भी बेकरी से कोई केक लेके आते हैं तो देखते हैं कुछ केक में ऊपर बहुत शाइनी रहता है वो, ठीक है, ऐसा लिक्विड जैसा ऊपर डाला रहता है, वो होता है न्यूट्रल जेल, जिसको पाइपिंग जेल भी बोलते हैं। और वो न्यूट्रल जेल मैं इस केक के ऊपर थोड़ा सा डाल रही हूँ। मैं वाइट ले रही हूँ, आप चाहो इसको कलर करके ले सकते हो। तो मैं अभी बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग होली का इसके ऊपर पूरा डेकोरेशन करने वाले हैं तो ज़्यादा दिखेगा नहीं ये, और इसमें हम थोड़े थोड़े कलर भी मिक्स कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें न्यूट्रल जेल डाल रही हूँ प्लेन। ये देखिए, ये न्यूट्रल जेल डाल दिया। अब इसमें मैं, क्योंकि होली है तो थोड़े थोड़े से कलर कहीं कहीं डाल रही हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पे येलो कलर डाल दिया, थोड़ा पिंक, ये कूला नहीं है, रेड, थोड़ा सा ग्रीन, और इसे हम एक्चुअल में प्लास्टिक के स्क्रैपर से ये होता है, लेकिन आप नाइफ से भी कर सकते हो। तो मैं ये धीरे धीरे इसको क्या कर रही हूँ, घुमा रही हूँ। ये कलरफुल जेल हमने इसके ऊपर फैला दिया। अब हम इसकी गार्निशिंग करने वाले हैं सारे चॉकलेट गार्निशिंग से, जो मैं आपको बताती, लेकिन इसके पहले मैं केक को शिफ्ट कर दूंगी केक बेस के ऊपर, ठीक है, लिफ्टर। हम लोग प्रोसेस में काम करते हैं, आप लोगों को भी मालूम है। यदि हम क्रम कोटिंग केक को करते हैं तो 15 मिनट के लिए उसको फ्रीजर में डाल देते हैं, जिससे वो थोड़ा सा सेट हो जाता है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर हम आइसिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैंने डायरेक्ट आइसिंग कर दी है और इसे हमने इसके ऊपर ले लिया। सारी गार्निशिंग खोल दो, खोले। ये देखिए, इसको हम धीरे से निकाल लेंगे, और ये नाइफ़ को भी नीचे प्रेस करके और पीछे से धीरे से निकाल लेंगे। मैंने ये गार्निशिंग तैयार करी हूँ, ये चॉकलेट की गार्निशिंग है। इससे हम होली की लकड़ियाँ बना रहे हैं, जो कि हम बीचों बीच में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बीचों बीच ये लगा रही हूँ, और इसके साइड से अब हम इस तरह से लकड़ियाँ लगाते जाएंगे। ये सब चॉकलेट है, इसका जल्दी खोलो, थोड़ा केक के अंदर जाना चाहिए सपोर्ट के लिए। ये सब चॉकलेट है, चॉकलेट बनाना कितने लोगों को आता है? इसका धागा, होलिका को हम काय से बांधते हैं? धागे से, है ना, पूजा करने जाते हैं तो धागे से बांधते हैं ना उसको, तो हम इसको भी धागे से बांधेंगे।
टूथपिक लगेगा ना इसके लिए, बड़ी वाली ये रखिए। ये देखिए, ये धागे से हम इसे बांध देंगे। अब हमारे पास में ये होली की पिचकारी है, ठीक है, ये भी हमने गाय से बनाया हुआ है, चॉकलेट से। और ये कलरफुल कलर्स ये भी चॉकलेट से ही बने हुए हैं। ये सब चीज़ों को लेकिन फ्रिज की सेटिंग लगती है, इसलिए इसे आप जल्दी जल्दी देख के फ़ोन में फ़ोटो वोटो खींच लीजिए, क्योंकि यहाँ पे है गर्मी। तो इस तरह से हमने ये डेकोरेशन किया। इसके सबके मोल्ड हैं, मोल्ड से ही ये सारे चॉकलेट तैयार हुए हैं। अब मैं ये होली भी चॉकलेट से लिख कर लाई हूँ, इसमें हम लगा देंगे थोड़ा टूथपिक। अरे मुश्किल है मेंटेन करना इसको, फिर भी एक बार लगा के बता देती हूँ आपको मैं।
तो इस तरह से हमारा ये होली स्पेशल केक तैयार हो गया। होली स्पेशल ठंडाई केक। लेकिन इस केक को हमको थोड़ा सा फ्रीज़र में जब तक सेट नहीं कर सकते, आप इसे कट करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। गर्मी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तैयार हो गया हमारा होली स्पेशल केक, ठीक है। बहुत ही क्रिएटिविटी। Thank you.